नमस्कार दोस्तों टेक्निकल बॉस चैनल में आप सभी का स्वागत है यहाँ पे आज हम बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पे लोन बांटने का काम हो चुका है शुरू भर भर के यहाँ पे आप लोग अब लोन को बांट सकते हैं दोस्तों क्या है कैसे है कैसे बांटना है क्या क्या प्रोसेस करने वाले हैं यहाँ पे सारे प्रोसेस को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं तो वीडियो को जो है कि पूरा वॉच करिए बिल्कुल बिना स्किप किए हुए और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और जो है कि बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दे ताकि हमारी वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों इसका जो पार्ट टू आएगा वो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर पार्ट टू अगर मिस कर देते हैं तो आप जो है कि लोन का प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे इसलिए जो है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कैसे हमें लोन को बांटना है क्या हमारा इंटरेस्ट लगेगा और जो है कि क्या कमीशन हमें मिलेगा और क्या जो है कि यहाँ पे कितने तक का अमाउंट जो है कि यहाँ पे लोन दे पाएंगे जो लोन का नाम रखा गया है दोस्तों यहां पे हैप्पी हैप्पी लोन 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 रखा गया है के नाम से ये वितरण आप लोग कर सकते हैं तो दोस्तों इसमें जो है कि सबसे बड़ा बात आता है कि क्या हमें इंटरेस्ट लगने वाला है तो हम इंटरेस्ट को सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम बता दें सबसे पहला जो कंपनी है ये है रोनेड एक्सप्रेस जो यहाँ पे लोन लेके आई है कि आप अपने रिटेलर ये सॉरी अपने कस्टमर को आप लोन प्रोवाइड कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है कि बहुत खुशी की बात है अगर आपके पास भी अगर का आईडी नहीं है तो अभी फटाफट से आईडी भी ले लीजिए और लोन बांटने का काम को शुरू करिए तो दोस्तों अभी तक जो आया है वो आप एक लाख रुपए से लेके और दो लाख तक ही यहाँ पे आप लोन प्रोवाइड कर सकते हैं यानी दो लाख के ऊपर का अमाउंट अभी आप नहीं दे सकते हैं आपको एक लाख से दो लाख का है तो ये जो है की बहुत बड़ा एक अमाउंट माना जाता है जो की बिल्कुल आपको यहाँ पे मतलब ज्यादा

पे जो लोन अमाउंट होगा उसका प्रोसेसिंग फी जो है कि 3 आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा जो कि सभी बैंक करीब करीब कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग फी लेती है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्रोसेसिंग फी कम है आपका क्या ओपिनियन है हमारे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अब जो है की जीएसटी अठारह परसेंट और पी एफ यानी पांच सौ चालीस रुपया इनका लग जाएगा जो एक हजार आप एक लाख रुपया लोन लेते हैं उनका तीन हजार जो है कि ये अपना प्रोसेसिंग फी लग जाता है वहीं पे जीएसटी एस अठारह परसेंट लग जाता है जो कि पांच सौ चालीस रुपया और एक टोटल प्रोसेसिंग फी जो है कि पैंतीस सौ चालीस रुपया लग जाता है यानी टोटल यानी तीन हजार वो हो गया और आपको जीएसटी मिला के पैंतीस सौ चालीस रुपए का आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फी लग गया वहीं पे इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है कि जीरो पॉइंट सेवन फाइव परसेंट आपको इंटरेस्ट लगने वाला है तो यहाँ पे टोटल जो कट जाता है वो छ हजार दो सौ नब्बे रुपया आपका जो है कि आपका जो एक लाख रुपए का लोन लेते हैं उसमें छह हजार दो सौ नब्बे आपका कट जाता है डिस्पर्स अमाउंट जो टोटल आपको अमाउंट मिलता है वो नौ तिरानवे हजार सात सौ दस रुपया और उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों हमें पेमेंट कैसे करना है तो पेमेंट के लिए यहां पे डेली पेमेंट का अभी तक आया है अभी तक जो तो अपडेट आया है वो डेली पेमेंट का आया है जो कि छह सौ का डेली पेमेंट आपको यहाँ पे करने को रहेगा अब इसी तरह देख लेते हैं दोस्तों की यहाँ पे जो है की दो लाख रुपए का जो लोन अमाउंट होगा उसके अंदर क्या लगेगा तो यहाँ पे दो लाख का जो लोन अमाउंट है उसका प्रोसेसिंग फी तीन परसेंट होगा जो कि छह हजार होता है जीएसटी अठारह परसेंट जो कि दस हजार अस्सी रुपया होता है वहीं पे टोटल प्रोसेसिंग फीस सात हजार अस्सी रुपया और इंटरेस्ट जो है कि टू पॉइंट सेवन फाइव यानी पचपन सौ रुपए टोटल डिस्पर्स आपका अमाउंट जो होगा डिस्काउंटेड होगा बारह हजार पांच सौ अस्सी रुपये आपको जो है कि यहाँ पे खर्च हो जाएगा यानी दो लाख का दो लाख का अगर लोन लेना है बारह हजार पांच सौ अस्सी रुपए आपका कट जाएगा उसको आप प्रोसेसिंग फी मान लीजिए जो भी मान लीजिए वगैरह वगैरह जो भी मान लीजिए यानी 12 आपको कट जाएगा आपका जो एक लाख सतासी हजार चार सौ बीस रुपया मिलेगा और यहाँ पे डेली पेमेंट जो है वो तेरह सौ तेतीस रुपया मिलेगा तो दोस्तों यहाँ पे काफी सारे लोग को मन में आ रहा होगा कि हमारे पोर्टल पे नहीं दिख रहा है तो दोस्तों आपके पोर्टल पे अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है कि फाइनली मतलब अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है अभी हम लोग के पास जो है कि थोड़ा सा आया था तो